Baskerville. All right, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum, प्यारे बच्चों. कैसे मिजाज हैं आपके? Thank you so much for coming. Your show का नाम है What the? Perfect. भाई आज का मौजू बड़ा छूता है लड़को लड़को. I'm so sorry, मैंने गलती से उधर देख लिया. I'm so sorry, मैंने आपको गलती से कहा. दिल पे नहीं लेना आपने, बिल्कुल नहीं. नो 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 नो. ओके, सो आज का जो मौजू है, और ऑडियंस के बंटवारे से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज जो है हम क्या करने वाले हैं. बेसिकली आज एक दुख भरी दास्तान भी आप लोगों के सामने पेश की जाएगी, और मैं वकालत भी करूंगा बहसियत लड़का होने के भी, लेकिन मैं लड़कियों की भी साइड लूंगा क्योंकि मैं होस्ट भी हूं. लेकिन शुरू हम यहां से करते हैं कि मियां ऐसा है कि हमारे यहां लड़की को बेबी से आंटी बनने तक के लिए बड़ा लंबा वक्त दरकार होता है, बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ता है. जैसे कि पहले बेबी होती हैं, फिर लड़की होती हैं, फिर बच्ची होती हैं, फिर कहीं जाके वो यू नो औरत से लेकर फिर कोई आंटी बनती हैं. लड़कों के साथ ऐसा कोई गेम नहीं है. लड़के भाईजान शुरू होते हैं लड़के से, बचपन से, और सीधा अंकल. कोई भी राह चलते हैं उनको कहते हैं अंकल जरा साइड पे हो जाए, और फिर वो खिताब उनके साथ मंसूब हो जाता है. कोई भी लड़कों को ना, वैसे आप लोग बिला वजह बदनाम करते हैं, आप खास तौर पे. देखिए आप, मैं आप लोगों की वकालत कर रहा हूं, मेरे साथ रहो. बेसिकली आप लोग बिला वजह बदनाम करते हैं. हम लोग जब भी मार्केट में कहीं आते हैं तो हम सुभान अल्लाह माशाल्लाह का वर्द करते हैं. और क्या चाहती हो यार, तुम लोगों को देख के हमें खुदा याद आ जाता है. और जितने जितने दिलासे तसल्लियां हम तुम लोगों को तुम्हारे इनबॉक्स में देते हैं, और क्या चाहते हो, जान ले लो बच्चों की तुम लोग हैं, इतना इतना प्यार देते हैं हम. सो आज का जो मौजू है वो बहुत वाजे है कि आज मुकाबला होगा, आज टाकरा होगा लड़कों और लड़कियों के माबेन. सबसे पहले हम बुलाएंगे लेडीज टीम को, लड़कियों की टीम हाजिर हो. प्लीज 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 प्लीज. ऑलराइट, welcome to the show girls. Thank you. How are you? What's your name? Ashna. Ashna. आप कैसी? Tajfa. Tajfa. I'm okay. Manur. Manur. Bushra. 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 Okay, perfect. Welcome to the show. Welcome to the show. Okay, so आप लोगों को पता है आज क्या होने वाला है? जी. आपका बहुत सख्त टाकरा होने वाला है. आप रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान की तमाम ख्वातीन को इस वक्त, और उनके दिल के जितनी भड़ास है वो आज आप निकाल सकती हैं इन लड़कों को मात देकर. लेकिन देखना यह है कि लड़के कितने पानी में हैं, उनको बुलाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो क्या सोचते हैं आप सबके बारे में. वैसे तो लड़के ढेर हो जाएंगे आप लोगों को देख के, मैं बता रहा हूं आपको. ये हमारा मसला है, इसका कोई हल नहीं है. आज तक तो नहीं निकल पाया. अरे लाउंडो कहां रह गए? आओ भाई आओ, आओ ठाकुर आओ. आओ ठाकुर आओ. कैसन मिजाज है? बढ़िया हो? जबरदस्त. नामी आपका? अमीर हमजा नाम है. हसन. हसन. शेख शाजिब. शेख अब्दुल राफे. अब्दुल राफे. कैसे मिजाज? ऑल गुड. सो जैसे कि खवातीन रिप्रेजेंट करी है, उनको बिना देखे देख लोगे तो खत्म, हार जाओगे. तुम लोग मुझे देखोगे, उधर देखोगे, इस तरफ नहीं देखना. हमने हम इधर देखे नहीं, और हम ढेर ये वाले एरिया में देख रहे हैं. हाँ, ये लौंडे लुंडे देखो, ये पर्दा हो गया, लौंडे मजबूत इधर वाला, ये रैक है अपना, बस इधर देखने का. सख्त लौंडे. हाँ, सख्त लौंडे बनकर रहना है. देखना ही, आंख मिलाई नहीं कि हम हार गए. नहीं नहीं, सख्त लौंडे. तो तैयारी है, नजर नहीं. तुम लोग हाँ मर्दों को रिप्रेजेंट करोगे आज, और आज बहुत लुत्फ आएगा हमें कि हम इन खवातीन को टफ टाइम देंगे. फिजिकल गेम्स भी होंगी, हमारी मेंटल गेम्स भी होंगी. तो आई होप कि आप लोग एक दूसरे को अच्छा मुकाबला दे पाएंगे. ओके, सो सबसे पहला सेगमेंट व्हाट द फन का है टॉप रिस्पांस, और इसमें हम आप तमाम अहबाब से कुछ सवाल करेंगे, और आपके जहनी जो हम आहंगी है उसको देखा जाएगा, और जिससे सवाल किया जाएगा सिर्फ वही जवाब देगा, अदरवाइज माइनस 10 हो जाएंगे. सो लेट्स सी टॉप रिस्पांस में सबसे पहला सवाल लड़कों के लिए रहा ये, वो क्या है जो लड़के अपना सबसे छुपाते हैं? नो 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 नो. नेशनल टीवी वाला जवाब देना लड़कों. ओके ओके. वो क्या है जो लड़के अपना सबसे छुपाते हैं? अफेयर. अफेयर. किससे छुपाते हैं वैसे? किससे छुपाते हैं? अम्मी से. अम्मी से या दूसरी की लड़की से? दूसरी भी लड़की है ना, उससे भी छुपा के रखते हैं ना. ओके, लेट्स सी. भाई का कहना है कि लड़के अपना सबसे अफेयर छुपाते हैं. Let's see if it's there or not.
अपना अफेयर गर्लफ्रेंड छुपाते हैं, बिल्कुल सही जवाब। ओके परफेक्ट। भाई साहब आपको क्या लगता है कि वो क्या है जो लड़के अपना सबसे छुपाते हैं? मेरे हिसाब से सैलरी है। सैलरी छुपाते हैं ना? हाँ, अपने अपनी इनकम नहीं बताते ना लड़के वैसे। अच्छा जवाब है ये भी, अपनी इनकम छुपाते हैं, सैलरी छुपाते हैं, अपनी सैलरी। परफेक्ट आंसर, गुड गोइंग। देख रही हो गलत नहीं हो रहे लौंडे। वो क्या है जो लड़के अपना सबसे छुपाते हैं? जैसे कि कोई सीक्रेट, मतलब कोई स्मोकिंग कर रहा है वो छुपाना, या कोई भी अपनी बुरी हिडन हिडन हैबिट्स, अपनी बुरी हैबिट छुपाते हैं, अपना डार्क सीक्रेट छुपाते हैं लड़के। लेट्स से नशावर चीजें, नशावर चीजें। यस जीत रहे। वो क्या है जो लड़के अपना सब से छुपाते हैं? आई थिंक सेल फोन। हाथ तुम्हारा बड़ा गलत गया। मैं क्या कह दिया इसने आज? मैं का शो बंद, शो बंद। अपना सेल फोन नहीं देखने देते हैं। नेशनल टीवी है, नेशनल टीवी। नहीं, अच्छा जवाब, अच्छा था वैसे, जवाब अच्छा था। अपनी गर्लफ्रेंड को अपना सेल फोन नहीं कभी नहीं, कभी नहीं पहुंचने ही नहीं देना चाहते। नहीं नहीं सर, बड़ा वाला ताला है ना। वो क्या है जो लड़के अपना सबसे छुपाते हैं? मेरा ख्याल है मान, थिंक अबाउट इट। बेसिक जवाब हैं। आप लोगों ने बिल्कुल दिमाग नहीं बहुत ज्यादा लड़ाना, बेसिक अवामी सतही जवाब होंगे। अगर आप बहुत सोचेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्या आपके लिए भी था? ऑफकोर्स इनके 5 4 3 2 1। ओके सर, क्या है वो? अपने एक्स रिलेशनशिप छुपाते हैं। ये उससे मिलता जुलता वैसे, लेकिन चले, अपने एक्स रिलेशनशिप्स की तादाद छुपाते हैं कि कितने हैं। See, I told you, ये कुछ मिलता जुलता था। ओके, अब आप लोगों पर है कि आप लोग 30 से ज्यादा कर लें इसको, कम से कम 50 नंबर कर लें, ताकि कोई इज्जतदार है ना स्कोर आए बोर्ड पे। क्या है वो लड़के जो छुपा रहे सबसे, लड़कियों से, अम्मी से, घर वालों से, क्या है? अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप छुपा लेते हैं, ये हो गया, ये सब हो गया। थिंक अबाउट इट, रिलैक्स, थिंक अबाउट इट। क्या है जो लड़के नहीं जान चाहते कि कोई और जाने उनके बारे में, वो सिर्फ अपने तक रखते हैं अपने गम आंसू, ये मतलब बहुत अच्छी बात। एग्जैक्टली, बहुत से शाबाश। अपने गम, अपने आंसू, अपने इमोशंस लड़कों को लगता है कि मैं, क्योंकि हमारे मुआशरे का एक अलमिया है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता टाइप का, और मर्द रोते नहीं, रो नहीं सकता, रो नहीं सकता। एग्जैक्टली, तो हमें इसको तोड़ना चाहिए। बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अब के एक फीलिंग्स, फीलिंग्स। जब उसने वो कहा तो तुम कहाँ थे? नहीं, मतलब कि वो जो जैसे कि ख्वाबों में एक गर्लफ्रेंड है, क्या उसके क्या 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 ये ख्वाबों में है ना, ये ख्वाबों में है वो, कह रहे हैं किसी के, लड़की के ख्वाबों में नहीं हो, कम से कम, कम से कम। फिर तो आज खतरनाक बात है, आज तो खास कर, अगर तुम लड़की के ख्वाब में नहीं हो, नहीं तो आज खास कर, क्योंकि आज कॉम्पिटिशन में ना, उसके बाद तो ख्वाब ही इनके। सोच लो वो क्या है जो लड़के छुपा रहे हैं? सब लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सिर्फ अपनी बात ना करो। आपको क्या लगता है कि सब लड़के क्या छुपाने की कोशिश करते रहते हैं? What do you think? 5 4 3 2 1 No, 1। ladies and gentlemen, देखते हैं कि जवाब नंबर 4 क्या है। मोबाइल पासवर्ड। ओके, मोबाइल पासवर्ड छुपाते हैं। 5 नंबर, अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री। चलो अच्छा, ये नहीं बताया, ये वाला बताया, ये अच्छा है, ये अच्छा था, ये अच्छा है यार, ये आई लाइक दिस। बचा तो गई कन्नों से बचे, कन्नों। ओके, सो आप लोग आई थिंक कर पाए हैं 1 2 3 4 है ना, 40 नंबर ले पाए हैं। नॉट बैड, नॉट बैड, बहुत बुरा भी नहीं खेले। तो लड़कियों को देखते हैं कि वो क्या करती हैं और आपका रिकॉर्ड तोड़ पाती हैं। 2 राउंड्स होंगे, लेकिन आई होप कि आप लोग इसी में इनको मात दे देंगे और ये चित हो जाएंगे, है ना। मेरी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई है, लड़कियों की भी बड़ी हाई है, और देखते हैं कि आपका सवाल क्या है। वो कौन से काम है जो लड़कियां पहले छुपा कर करती थी पर अब सबके सामने कर लेती? अपने बॉयफ्रेंड से बात। बहुत मॉडर्न हो चुके हैं हम लोग, बहुत आजाद ख्याल हो चुके हैं हम लोग। आओ देखते हैं मिलकर, ये अपने फियांसे से बात कर लेती हैं वो। बिल्कुल ठीक। वो कौन सा काम है जो लड़कियां पहले छुपा के करती थी लेकिन अब खुलेआम भी कर लेती हैं?
सोशल मीडिया यूज. सोशल मीडिया यूज करती हैं. पहले के दौर में क्या होता था? ऑर्किड होता था. ऑर्किड टेलीफोन होता था आई थिंक. उस पे टाइम लिया जाता था 5 मिनट 10 मिनट घर वालों से छुप के बात. इतनी पुरानी है आप? नहीं एक बात है. मां बाबा की स्टोरी सुनी है? या ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. यस लेट्स सी. ओह दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन. ओके मैम, आपको क्या लगता है कि वो कौन से काम है जो लड़कियां पहले छुप कर करती थी, उनको इजाजत नहीं होती थी, लेकिन अब वो खुलेआम भी करती हैं तो किसी को बुरा नहीं लगता? I guess outing, बाहर घूमना फिरना. बाहर घूमना फिरना, outing करना, market में जाना, shopping करना, dinners करना, etc. etc. ये अपने male friend के साथ घूमना. Yeah, that's right. वो कौन से काम है मैडम जो आपको लगता है कि लड़कियां पहले तो छुपा के करती थी, अब उनको कोई लाज शर्म नहीं है, अब वो कहती है खुलेआम करेंगी हम? फैशन, घूमना फिरना. फैशन करना, फैशन करना. अब वो कोई भी फैशन करती है तो उनको कोई रोक टोक नहीं है. ओके बी वेरी केयरफुल. आखिरी चक्कर आपकी तरफ लगने वाला है. 4 सवाल आपसे किए जाएंगे. अभी तक आप सिर्फ 2 सवालों के सही जवाब दे चुकी हैं. आपको एक ऐसा हिंट दूंगा अभी मैं कि जिससे आपको ये पता चलेगा. हिंट दे दें थोड़ा सा हल्का. समझा तो लड़के बड़े दिल के होते, लड़के अपना सब कुछ. देखो बी ए मैन. वो कौन सा काम है जो लड़कियां पहले छुपके करती थी पर अब सबके सामने करती हैं? 3 लाख का बेच रही है वो अपना जोड़ा. ये हिंट है. ऑनलाइन वर्क. दैट्स द हिंट. ऑनलाइन वर्क. वो कौन सा काम है जो लड़कियां पहले छुपा के करती थी अब? डांस. शादियों पे डांस. Time up. 3 लाख का बेच रही है वो अपना जोड़ा. मर जाओ डूब के. कितना नाचे हो तुम लोग. सर लड़की ले सकते हैं उसको. कख नहीं हुआ. ये भी रहे. हाँ. ओके यार. ये तो आपने बताया चीटिंग हुई. इतना बचाए हो, इतना पीटे हो, 3 लाख ना कमा पाए अभी तक हम. ओके सो आपको क्या लगता है वो कौन सा काम जो लड़कियां पहले छुपा के करती थी अब खुलेआम करती? Date nights. कहाँ हो रहा है ये? अबे कहाँ चल रहा है ये? मैं गलत मुल्क में तो नहीं रह रहा? डेट नाइट कहाँ हो रही है भाई? आई डोंट नो. भाई दिखा दो अगर ये. I was about to say that कि अगर ये यहाँ पर ना हुआ तो सिर्फ आपके ज़हन में है ये बात. सही हो गई ये चीज़ें. कहाँ हो रहा है ये चीज़ें? जरा हटो यार तुम लोग. मैम आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा काम जो लड़कियाँ पहले छुपा के करती थी अब खुलेआम करती है? पढ़ाई. बहुत अच्छी बात की आपने. ये पहले ख़वातीन की पढ़ाई को इतना अहम नहीं समझा जाता था लेकिन अब लड़कियां भरपूर पढ़ाई करती हैं. आइए देखते हैं क्या ये जवाब है. I like the answer, लेकिन वो सर्वे में नहीं था. I'm so sorry about that. Yes, ma'am. आखिरी चांस है आपके पास, कम से कम बराबर ही करते हैं. Job. अच्छी बात. Job कर सकती हैं आप लड़कियां. Job कर सकती हैं भाई अब. पहले नहीं करना. Oh, come on, man. नहीं ये बहुत अच्छे जवाब थे. दोनों बहुत अच्छे जवाब थे. वेरी गुड, वेरी नाइस. लेकिन मुझे नहीं पता ये सर्वे कहाँ होते हैं, इसलिए आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. आइए देखते हैं कि जवाब नंबर 4 क्या है. गुनगुनाना, सिंगिंग करना, गाना गाना. अब म्यूजिक में आती हैं लड़कियां. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ओके सो 5 बाइक चलाना. हाँ आजकल स्कूटीज बड़ी मजे की आ गई हैं. बहुत. हाँ यस ऑफकोर्स. 6 नंबर अपनी ख्वाहिशात का इजहार करती हैं अब खुलेआम लड़कियां, जो कि पहले वो अपनी ख्वाहिशात दबा लेती थी. बिल्कुल सही. सॉरी अब होता है क्या ख्वाहिशात का इजहार? बहुत. हाँ ओहो ऐसा होता है कि मतलब कंगला कर देती हैं. इसके बाद एक्सपीरियंस बोलता है. सॉरी एक्सपीरियंस बोलता है. एक्सपीरियंस बोलता है जब आप डेट नाइट पे जाएंगी तो ऐसे ही लगेगा. आला. ओके सो लड़को मुकाबला अभी आप लोगों की टोकरी में है. 40 नंबर है और इन लोगों के 30 नंबर हैं. आप लोगों को कमबैक करने का मौका दिया जाएगा. आप लोगों का अगला सवाल रहा ये, लड़के अपना वॉशरूम के अलावा किन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं? उनके डांस के लिए वॉशरूम के अलावा बता रहा हूं. कुछ और नहीं बता. शावर.
मैं भी उतना ही घबराया हूँ जितने तुम घबराए हो। मैंने ऐसे ही छूट गए ये सवाल सुन के, बताओ उस नौबत तक पहुंचा नहीं हूं मैं, उससे पहले रुक जाना थे मेहरबानी, मेरा शो ना बंद करवा दे। सिगरेट पीने सिगरेट, हाँ ये यस 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 सिगरेट पीते हैं छुपके लड़के वैसे वहां पे, हाँ यस गुड आंसर, स्मोकिंग के लिए परफेक्ट। सर आपको क्या लगता है? मिरर सेल्फीज, हाँ यस 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 मिरर सेल्फीज देते हैं ना बाथरूम में, लाइट बड़ी अच्छी होती है ना, है ना, चलें लेट्स सी, वैसे लड़कियां ज्यादा करती हैं, बट लेट्स सी कि ये है हमारे पास मिरर सेल्फीज लेते हैं लड़के अंदर जाके बाथरूम में। नो ये लड़कियों वाला जवाब था वैसे, लेकिन ठीक है हाँ लेते हैं, लड़के भी लेते हैं। यस सर आपको क्या लगता है लड़के वॉशरूम वॉशरूम करने के अलावा और क्या किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मेरा ज्यादा अंदाजा जैसे कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो मिरर लगा होता है वॉशरूम में, पोज करते रहते हैं पोजिंग के लिए, बॉडी पोजिंग है ना, देखते रहते हैं कैसा है, इधर से कैसा है, इधर से कैसा है, ये ओके लेट्स सी अपनी बॉडी पोजिंग के लिए। सुंदर था ये, तुमने मुझे ताना मारा है ना? नहीं। ओके लड़के अपना वॉशरूम किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? गुनगुनाने के लिए बाथरूम, गाने गाते हैं वहां बैठ के शावर के नीचे शावर गुनगुनाना गाते हैं गाने गाते हैं लड़के वहां बैठ के, सब जा चुके हैं बाथरूम सिंगिंग, गुड आंसर गुड आंसर, वेल डन वेल डन। ओके सो लीड बरकरार है लड़कों, तो बरकरार रखो, अभी भी आप उनके पास चार, हाँ आराम से चार पॉइंट्स और ले सकते हो आप लोग। लड़के अपना वॉशरूम किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? मेरा ख्याल है कि नॉर्मली मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं अंदर बैठ के, चीजें वगैरह देखते हैं, ठीक है मतलब कि वीडियो वहां तक जा रहा है, रील्स वगैरह मोबाइल यूज करते हैं, चीजें वगैरह देखते हैं, चीजें वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल होता है वॉशरूम, इंस्टाग्राम के लिए मोबाइल पे गेम खेलने के लिए, गेम गेम हां गेम 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 लाइक हम सब गेम्स खेलते हैं, हमारे मोबाइल पे ही देख लो हम सब गेम खेलते हैं, लड़के मोबाइल पे ही गेम खेलते हैं है ना, हां लड़के मोबाइल पे, ओ लड़कियां रियल लाइफ में खेलती हैं, हां लड़कियां, कहने का ये मकसद लड़कों के लड़के मोबाइल पे ही खेलते हैं, जो रिलेशनशिप में होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए यूज करते हैं, हां अम्मा अब्बा से छुप के बाथरूम में जाके सरगोशियों में रात को बात करते हैं, और कैसी हो बेबी ने खाना खा लिया, यस लेट्स से नहीं ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, यस सर व्हाट डू यू थिंक? आराम से बिल्कुल बेसिक आंसर है, इतना इतना बेसिक आंसर है ना मेरे पास इस वक्त, लड़के अपना हिंट हमें भी होनी चाहिए, हिंट इधर भी आ रही है, हिंट तो बनता है हम लोगों के लिए, लड़के वॉशरूम में जाके क्या क्या करते हैं, इतना बेसिक आंसर है ये कि लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, बिल्कुल ही बेसिक है बिल्कुल, मतलब सारी बातें देख रहे हैं हम आपको, समझो मतलब कोई बहुत ऊंची नीची बात नहीं करनी, बस काउंटिंग करो ना, वॉशरूम करने के अलावा तो नहाएंगे जाहिर सी बात है, और क्या करेंगे, नहाएंगे और कपड़े चेंज करेंगे, चलो नहाना देख लेते हैं, नहाना देख नहाएंगे ना, और कोई और नहीं बताएगा वरना माइनस 10 हो जाएंगे, जी जी आइए देखते हैं, नहाने के लिए नहीं था सर, लास्ट चांस है आपके पास, आखिरी मौका है, 50 कर सकते हैं आप इसको, अदरवाइज लीड तो बरकरार है, डांस करने के लिए नहीं करते, लेकिन चलो आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? चेंज करने के लिए कपड़े, 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 चेंज करने के लिए, ये तो बोला ही था, यहाँ से आपको बताया भी इसने, मैंने कहा हाँ जब मैंने कहा आपको कि नहीं कोई बोलेगा, मैंने कहा सोचा तभी सुन लिया हो शायद आपने, चलें लास्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे क्या है, डांस से
डांट से बचने के लिए, मैं डांट से, हाँ ये भी, हाँ अम्मा अब्बा की डांट से बचने के लिए भी छुप जाते थे बचपन में, बचपन में, बचपन में, हाँ छुप जाते थे, सो नॉट बैड, नॉट बैड, अभी डांट चाहिए तो बाहर निकल जाते, 85 हमारे हो गए, हाँ आप लोगों के अभी भी 80 हैं, अभी देखते हैं, अभी टोटल हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले लड़कियों को मौका दिया जाता है कम बैक करने का, आप लोग अगर अच्छा खेले तो आप लोग आसानी से कम बैक कर सकते हैं, और आपका सवाल रहा ये, वो क्या है जो लड़कियां ज्यादा करती हैं और लड़के कम, मेकअप, 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 लड़कियां मेकअप ज्यादा करती हैं और लड़के कम करते हैं, ये फैशन मेकअप, ओके ठीक है, वैसे मैं कुछ ऐसे एक्ट्रेस को जानता हूं जो लड़कियों से ज्यादा मेकअप करते हैं, पर इट्स ओके, आपको क्या लगता है वो क्या है जो लड़कियां ज्यादा करती हैं और लड़के कम, नखरे, नखरे, यस, हाँ चीज में नखरे करती हैं बिल्कुल, वो क्या है जो लड़कियां ज्यादा करती हैं, बातें, बातें, अच्छा अपनी अपनी खामियां खुद बताना भी एक अलग कमाल है यार, बातें ज्यादा करती हैं, लड़कियां गॉसिप ज्यादा करती हैं, क्या है जो लड़कियां ज्यादा करती हैं लड़के कम करते हैं, शिकायत, गिले शिकवे, गिले शिकवे, शिकायतें बड़ी करती हैं, हर चीज में कीड़े निकालती हैं, है ना, हाँ आओ देखें, ये जीते हम, जीते हम, 40 तो पहले में ही हो गए भाई, सेकंड राउंड में देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, वो क्या है जो लड़कियां ज्यादा करती हैं लड़के नहीं कर रहे, शॉपिंग, शॉपिंग, अच्छा खेल रही है भाई, ओके शॉपिंग, ये ठीक है, असल में अपनी बातें बताने में ना जरा ये आसानी हो रही है, शो वाले ने सोचा कि लड़कियां अगर हार गई तो लग जाएंगी, उनको चांस भी तो देना चाहिए ना, आप देखिए रो रहे हैं अभी से, खलील कर रहा है, यस मैम आपको क्या लगता है, शक, शक, लड़कियां ज्यादा करती हैं ना, है ना, है ना, है ना, लड़कियां ज्यादा शक करती हैं, जवाब सही था ये, यस मैम आपको क्या लगता है, I guess, जिद अपनी बात मनवाने के लिए, जिद करती हैं ज्यादा अपनी बात मनवाने के, उनको बहुत से हरबे आते हैं, आखिरी मौका है, वोट क्लियर कर सकती हैं आप, लेट्स सी क्या करती हैं आप, कॉपी करती हैं किसी को, एक दूसरे को फॉलो ज्यादा करती हैं, बहस करना, किसी को कॉपी करना, नहीं आप नहीं बता सकती, कॉपी करना, नहीं मैं उनको, हो गया हो गया हो गया, हो गया हो गया, कॉपी करती हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को कॉपी करती हैं, एक दूसरे का फैशन कॉपी करती हैं, वैसे ही नहीं आया, वैसे भी होना चाहिए, वैसे ही नहीं आया बेचारे यार, ओके नॉट बैड, नॉट बैड, वेल प्लेड यार, तालियां बजाओ, सिर्फ एक जवाब आप लोग नहीं दे पाए, सो वो देखते हैं आप लोगों को क्या लगता है, क्या है जो लड़के कम कर रहे हैं लड़कियां ज्यादा कर रही हैं, एनीवन, लड़कियां ज्यादा करती हैं लड़के कम करते हैं, घर के काम, घर के काम, घर के काम, हाँ ये अच्छा, ये अच्छा, लड़कियां का, ओहो हो हो, अरे यार लड़के, ये एक्सपीरियंस बनता है, तो क्या एक्सपीरियंस, हमारी मोहब्बत की इजाजत देती है कि ये नंबर उनको दे दिया जाए, नहीं एक नंबर काटा भी जाए, कह रहे बोले थे बीच में, ओके लेट्स सी कि टॉप रिस्पांस का फाइनल रिजल्ट क्या है, इक्वल नॉट इक्वल, व्हाट, ओके ओके ओके, सो मुकाबला हो गया बराबर, सो अभी गेम्स बाकी हैं, तो देखना पड़ेगा कि कौन बाजी ले जाता है, लेकिन मुझे मुझे सरप्राइज है मेरे लिए, मुझे लग रहा था कि लड़कियां जीत गई हैं शायद, नहीं नहीं बहुत अच्छा खेल रही थी वाला राउंड, नहीं इक्वल हो गया यार, बड़ी 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 हैरत की बात है, इक्वल भी सर करवा दिया हमने बस, ओके ओके, एक पार्टी कर रही है, एक डेट नाइट कर रही है, माहौल खराब हो रहा है शो का, आप देख रही है, व्हाट द फन, एक छोटे से वक्त के बाद लौट कर आएंगे, आज क्या हो गया, लूट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया यार, किसने लूट ली आपकी इतनी सी तो इज्जत है आपकी, किसने लूट ली, इज्जत इतनी सी होती है जो दिमाग में होती है ना, जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है, मोहित भाई बोलो कितनी जल्दी समझ में आता है ना, पता हुआ क्या, अम्मी की बीती खुली थी, हाँ मैंने पहले छप्पड़ किए, डेट थी ना मेरी, घटिया ट्रैक को लाए आप यार, अम्मी की बीसी चप्पड़ करके आप, इंसान हो या ड्रैग करो, अम्मी की बीसी पे सबकी नजर होती है, अच्छा ओके, मैंने असल में एक बच्ची से मेरे फोन पे बात हो गई, उसने मुझे बुलाया डेट पे, ओके मेरे पास थी नहीं, आपको पता आशिक कुछ भी कर जाता है, अम्मी की बीसी पे नजर, मैंने अम्मी की बीसी उठाई, सीधा गया रेस्टोरेंट,
यकीन करो उसने कोई खाने पे कोई टूटी है वो वो okay. आज यकीन करो लांडी कोरंगी की बच्ची बोल रहे बोले पिज्जा खाऊंगी पिज्जा कसम से मुंह से निकल नहीं रहा उसके लेकिन जूस पियूंगी कौन सा वाला 200 रुपए रिक्शे वाला लेता 300 रुपए रिक्शे वाले को 100 रुपए मैंने घर जाके दुकानदार से उधार लेके दिए अरे यार वेरी सैड वेरी सैड आई एम सो सॉरी अबाउट दिस इनमें से पहचाने कोई इनमें से तो नहीं थी नहीं नहीं ये तो मेरी बहन है अच्छा भाई यहाँ पर हो ना वहाँ कर दो वरना इनकी सैंडलें बड़ी लंबी लगी ओके मेरा वैसे ही खून नहीं मिल रहा बदल अपना खून भी आया है ना आप जो है रहा साहब वो भी खत्म हो जाए सो मिस्टर डी अब हम खेलने जा रहे हैं शोर शॉट और आपको पता है इसमें हम इमेजेस दिखाएंगे दोनों टीम्स को और जिससे सवाल किया जाएगा सिर्फ वही जवाब देगा अदरवाइज -10 हो जाएंगे ठीक है सो आपके हाथ में बॉल्स होंगी ये वाली ये मेंशन करना जरूरी था ना कि ये वाली बॉल सर जी पकड़ा देना आप में से कौन आ रहा है वैसे लेडीज आप आएंगी हाँ लेडीज फर्स्ट प्लीज सो ताकि आप इशारे ना कर पाए दूर बॉल को नीचे नहीं रख देना वरना आप फिर हाथ हिलाएंगी और फिर माइनस टेन करवा देंगी आप ओके सो आप आना चाहती हैं पहले ओके कम ऑन पलट कर नहीं देखना आपने ओके 10 सेकंड का वक्त होगा आपके पास और आपका वक्त शुरू होता है पहली तस्वीर के साथ ये लड़की क्या चीज है जो वो उस पे जिप ओ माइनस 10 माइनस 10 कम ऑन ओए होए 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 ओके लेट्स मूव ऑन यस मैम आपके लिए तस्वीर रही है लड़के बहुत शौक से करते हैं स्मोकिंग नहीं ड्रेसिंग बहुत हेयर लड़कियों को दिखाने के लिए इंप्रेस एटीट्यूड से कि इंप्रेस हो रहे हैं नहीं नहीं सब बोल दिया ना मेरी बहन ने नहीं कुछ नहीं ओके यस मैम आपके लिए पिक्चर रही है पीछे नहीं देख वो क्या चीज है जो इलेक्ट्रिक की चीजों पे जरूर फ्रिज वगैरह के लिए भी यूज करते हैं ताकि फ्रिज खराब ना हो यस परफेक्ट बहुत आला वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस अगली पिक्चर है मैम आपके लिए एहतियात से वो क्या चीज है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करती है कीबोर्ड मॉनिटर सीपीयू यस सीपीयू Perfect. Okay, good, 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 good. Next picture, ma'am, आपके लिए. वो लड़के लड़कों की ड्रेसिंग. शादियों. शादियों वगैरह के. वो टाइ. Business. कोट. या वो और उसके साथ. नहीं. अरे वो जो कोट. कोट बोल दिया सर. कोट तो बोल दिया. बोल दिया सर. नहीं मैंने बोल दिया था. बोल दिया. कर रहे हैं वो. कोट पैंट एक पूरा सूट होता है ना. Yes, ma'am, आपके लिए अगली picture ये. वो क्या है जो शादी वगैरह में दूल्हा उसमें बैठकर जाते हैं यूज करते हैं सजावट घोड़ी डोली गाड़ी नहीं नहीं सजी की दूल्हा वाली गाड़ी कार बहुत ज्यादा सजी हुई जो आउट शेर ओके इसको कैसे गेस कर ये इसको क्या कहते हैं पता भी नहीं होगा इसका नाम भी नहीं पता इसका ये क्या डड्डू डड्डू गाड़ी डड्डू गाड़ी दादाओं के जमाने की कार है यार ने कार का नाम दिया मेरी चिड़ निकाल दी यार सही वाली कैसे कार करीब करीब एक मिनट रुक जाओ वो बातें कर रही हैं कर लो नहीं हो गया ओके चले नेक्स्ट पिक्चर आपके लिए यस सर वो क्या है जो जिम में यूज करते हैं लड़के ज्यादा जिनसे उनकी बॉडी बनती है उसको क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं उसको डीसी आता है डीसी आता है डीसी आता है यार डंबल्स हां लेट हो गई क्या बता रही है ओके चले आगे बढ़ते हैं अगली पिक्चर है आपके लिए मैम कोट पैंट के साथ जो पहनी जाती है वो टाई वो या टाई उसमें जो लगाते हैं वो बोलो 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 डोंट नो नाम नहीं आता मुझे उसका ओके मूव आउट नेक्स्ट पिक्चर आपके लिए मैम ओ भाई ये तो हम ना बुझवा पाएंगे मोबाइल खराब है इसको टाके लगाने का काम आता है आउट
सही है तो मैं वाकई में नहीं पता क्या कहते उसको जी जी वही इधर नाम याद नहीं है कैरियर सुई धागा सर ये चेंज होना चाहिए सर ये चेंज होना चाहिए बहुत मुश्किल है अभी नहीं क्या है तो ये बुझवाएंगे ना सर ये सर ये सर ने आपको बुझवाया ना तो इट्स ओके मुश्किल चीज है सब आसान थोड़ी होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पिक्चर आपके लिए मैम वो क्या है जो लड़कियां जो हैं वो सर पे बांधती हैं उसको क्या कहते हैं जो जिसमें हल्के हल्के बाल भी दिख रहे होते हैं लेकिन वो बांधती भी हैं पोनी कैचर नहीं नहीं वो कपड़ों का होता है कपड़ों का होता है वाली पोनी क्या आगे चलिए यहां आ जाओ इधर आ जाओ यहां खड़ी हो जा बहुत अच्छा बैंडाना हेड स्कार्फ हेड स्कार्फ बैंडाना इट्स ओके इट्स ओके कोई बात नहीं हार ही जाएंगे ना ज्यादा ज्यादा अब झूठ बोला है तो सामने तो आएगा ओके अगली पिक्चर आपके लिए मैम मोबाइल पे जो लगाते हैं जिसके बगैर मोबाइल नहीं खुलता हैंड फ्री जिसके बगैर मोबाइल पासवर्ड लॉक मैम आखिरी पिक्चर आपके लिए अब आपके नाम वो क्या है जिसमें सब चीजें रखते हैं और पैंट में रखते हैं लड़के वॉलेट हैं वॉलेट जिसमें सब चीजें होती हैं पॉकेट जिसमें ठीक है कार्ड होल्डर है बेसिकली नॉट द वॉलेट वॉलेट चलिए नॉट बैड नॉट बैड आप लोगों ने अच्छा खेला आई थिंक वी आर ओवर ना हाँ वी डन विद गर्ल्स ओके आपको क्या लगता है कितने गुल खिलाए लड़कियों अभी ये संडे आएंगे तो पता चलेगा ओके चलिए लड़कियों ने बहुत अच्छा नहीं खेला जहां तक मुझे लगता है उसमें बहुत से उन्होंने भंडे किए लेकिन आई होप कि आप लोग इस राउंड में उनको अच्छा अच्छा टकरा देंगे उधर मुकरे उधर वो करेंगे तो आपका ज़हन से सवाल निकल जाएगा जल्दी से रहा उधर डेंजर आ रही है आपसे देखना है उधर बिल्कुल नहीं देखा और कनकियों से तो बिल्कुल नहीं देखना इसको सीधा ही करवा लो यार नीचे कर लो लड़के जो है ना बूटी लगाने में बड़े माहिर होते हैं चलिए आपके लिए आंखों में देखने पिक्चर रही ये यार आज की लड़कियां बहुत चला रही हैं बाइक कौन स्कूटी स्कूटी यस वही लफ्ज बोलना है जो वहां है सर आपके लिए अगली पिक्चर रही ये शादी में दुल्हन सर पे पहनती है दुल्हन घूंघट सहरा सहरा दुल्हन दुल्हन सर पे सहरा पहनती है यार पलटो के नहीं देख लिया देख लिया वैसे भी नहीं है पॉइंट हमारे माथा पट्टी बोल माथा पट्टी हाँ बोल तो नहीं सकते ना माथा पट्टी बट उसको समझाना मेरी यार हाइट कर दे जैसे वो आया लड़के ने कह दिया लड़के कह दिया क्या ये तो नहीं आएगा चीटिंग हो रही है हमारे से अंदर अंदर से देखिएगा सर आपके लिए अगली तस्वीर ये हाँ जी वो क्या है जो फुटबॉल की तरह है लेकिन उसको बास्केटबॉल क्या हाथ चलाई ही नहीं क्या क्या था कुछ भी नहीं किया हमने वही रोने की आदत हम अपने हाथ में रोने की आदत खेल रहे हैं बात तो उसकी है वो क्या कर रहा है कम ऑन गर्ल्स कम ऑन गर्ल्स कम ऑन स्टॉप क्राइंग ओवर एवरीथिंग ओके लेट्स मूव ऑन अगली पिक्चर टेल मी स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट क्या नाम हाथ में 24 घंटे होता है फोन अरे आप तो वैसे मोरे मेरे यू हैव टू बी अलर्ट बट उसकी गलती है ये मेरी 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 मिस्टेक इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर सर आपके लिए दुल्हन सर पे पहनती है ये शादी में मजे की बात बताओ दुल्हन सर पे डालती है बोला था उसने इशारा करने की कोशिश की थी वो वही लड़कियों के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ओए जो बच्चे नहाते हैं हाथ नहीं हाथ से नहाते हैं जिसमें नहाते हैं बच्चे को बाथ टब उससे बेबी टब छोटा वाला हां बेबी टब सर नहीं 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 बेबी टब ही तो है ये सर बाल्टी बाल्टी अच्छा बाल्टी ये सर तो बेबी टब भी बेबी टब तो वो बोल लेते वो छोटा घी आता है पर मेरी बारी क्या लिखा है सुनना सर अगली पिक्चर सर आपके लिए अब नहीं बना देना मार्केट में गया हूँ हाथ में काफी सारी चीज है शॉपर्स
ये लड़के फाइनली आपके हम बॉडी को देते हैं बॉडी शावर ऑयल रिलैक्स करने के लिए क्या देते हैं आप बुझवाएं यार अक्सर जो है ना होटल पे जो ना वो इंसान भी करते हैं मालिश हाँ बालों में लड़कियां बालों में लगाती हैं खत्म हो गया ये समझ नहीं आया क्या कह रहे छोटे बच्चों के हाथ में होता है वही तो मैं समझे सर यार हम हर हफ्ते ना वहाँ जाते हैं लड़के जाते हैं वहाँ पे हर हफ्ते क्या नाम सीसाइड नहीं लड़कियाँ जाती हैं आप लोग बहुत बुरा खेल ऐसा लग रहा है मुझे उधर होना चाहिए ना ओके ऊपर पढ़ना है आपको ओ कम ऑन मैं खुद नहीं जानता बहुत बड़े सीरियस व्हाट द फक पास मरवा दिया भाई इनका तो गुजरना बंद है वेट अ सेकंड डिड यू से आप नहीं जानते आप इसको नहीं जानते मैं देखो सर्विस टायर अबे शान सर्विस टायर ही बोल देते पहचान लेते ओह कम ऑन सर्विस टायर दैट्स रियली सैड बहुत बुरी बात दैट्स रियली सैड हम अपने लेजेंड को ये हमारे लेजेंडरी सर शान शाहिद साहब हैं इनके लिए बहुत सी तालियां और अभी शान भाई की जरार फिल्म आई है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक सर ऑल द बेस्ट आई होप कि वो बहुत अच्छा करे और जो कि वो कर भी रही है सो गुड लक सर आपके बारी सर आखिरी पिक्चर भाई लड़कियां जिससे बांधती हैं अपने बाल हाँ किससे बांधती हैं बाल वो भोपिंदी होती क्या नहीं हाँ उसी के पोनी 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 वो अब सही है अबे भाई तुम लोग तो जान ले लोगे मेरी इतना बुरा कौन खेलता है आ जाए प्लीज चलिए देखते हैं शोर शॉट क्या फाइनल रिजल्ट क्या है लेट्स सी बराबर 40 ये बड़ी बात है यार इसको कहते हैं मौत को छू के टक से वापस Well played, boys. Well played. Okay. So no problem. No problem. अभी भी हमारे पास कुछ physical games बाकी हैं और आखिरी जो segment होता है हमारा buzzer round, buzzer battle, वो मेरा favorite है और उसमें पासा सही पलटता है. तो अभी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को. वैसे आप लोग अच्छा comeback कर सकते हैं. Boys, वैसे भी girls को पहला chance देते हैं. बड़े दिल के होते हैं ना. है ना? नहीं आप पहले हमें नहीं ज़रूरत आपके बड़े दिल की. वैसे आपका दिल इतना बड़ा होता है उसमें बहुत सारे लोग समा जाते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. पूरी दुनिया समा के रखी हुई है. हम वापस आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद सो मिस्टर डी जी आप बारी है ये ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन आप बारी है हमारे अगले सेगमेंट की जिसका नाम है वॉर टू विन एक मिनट का काउंटडाउन चलेगा आप चारों को मौका दिया जाएगा एक आपकी तरफ से आएगा एक आपकी तरफ से आएंगी और इनको बैलेंस करना होगा आपको मिस्टर डी आप पहुंच जाएंगे वैसे ऊपर तक यार आठ तो मुश्किल है मैं छह तक करें हम ओके चलें तो आप लोगों को ये ग्लास बैलेंस करने हैं और आठ तक लाजमन ग्लासेस आपको मैं और अगर नवा ग्लास आप रख देंगे तो फिर तो आप बहुत ही महान हो जाएंगे लेकिन आठ कम अज कम ग्लास रखने तो आप जीत पाएंगे 10 पॉइंट्स और जिसका गिर जाएगा एक मिनट के काउंटडाउन में वो दोबारा भी शुरू कर सकता है सो एक मिनट का टाइम आपको आराम से दिया जाएगा सो आप लोगों में से पहले आप तशरीफ लाएंगी और आप आएंगे सर आपका टाइम शुरू
का मिश्री मौका दें उनको. 3, 2, 1 come on. Okay. That was amazing. And this is called the girl power. I agree. सही कहा. I agree. नहीं इस पे मानना चाहिए इनको क्योंकि वो हार गईं, उनके ग्लासेस गिर गए थे जबकि वो आठ खड़े कर चुके थे. उन्होंने आखिरी तीन सेकंड में भी अपने नाउस पे सवार नहीं किया. मैंने कहा नहीं कर पाएंगी. हाँ एक गिर जाएगा दोबारा गिर जाएगा नहीं होगा. लेकिन नहीं. Very well played. वैसे ये बात तो है ना जो गर्ल्स होती है ना वो रिस्क लेती है. 3, 2, 1 come on. आराम से होगा. नीचे बेस गिरने वाला जल्दी कर. जल्दी उनका गिरने वाला है. धमक से हिलता है. बेसिकली इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस. लिसन होल्ड किया हुआ था उसको पहले. बट धमक से पहले पता है 10 सेकंड तक होल्ड पहले वो गिरे फिर हमारा गिरा. हां तो ये उन्होंने ऐसे होल्ड भी रखा होता है. टाइमर से पहले तो वो गिर गया. नहीं वैसे उन्होंने होल्ड किया हुआ था. अच्छा पहले उन्होंने ऐसे किया हुआ था तो उनका तो हम काउंट ही नहीं कर रहे. आपका गिरना काउंट करवा रहे हैं आपको. रीमैच देखिए उनकी बेस हिल चुकी थी वो हम सबने देख लिया था. वो तो वैसे बेचारी खड़ी है. तो आपका जो आखिरी तीन सेकंड में गिरा है ना वो कमाल गिरा है कि आपकी तहस नहस हो गया. ओके सो अभी तक मुकाबला बिल्कुल बराबर जा रहा है. तो देखना ये है कि कौन बाजी ले जाता है. यस मैम आप आएंगी. सर आप आएंगे. ये मुकाबला वैसे कोई है नहीं है बराबरी का. वैसे इनके 6 रखो इनके 9 है ना. आपने 6 भी रख लिया आपके 8 काउंट कर लेंगे. ओके 3, 2, 1 come on. स्टार्ट बहुत ठीक है. स्टार्ट कर दो. बेस ठीक करती जाए साथ साथ इससे पहले के गिरे. आई बेल बना रहे हैं ये साथ साथ सही करें. बेल बना बेस. हाँ एग्जैक्टली बेस ठीक रखोगे तो सही होगा वरना ऊपर जाके गिरेगा. कम ऑन सही रखो. हाथ भी जाएगा बेल का. आराम से हाथ भी जाएगा. हाथ से गिरे तो हाथ भी जाएगा. वेरी नाइस इजी. आप आ सकते हो इनकी टीम में कोई आ सकता है. उसका हाथ भी जाएगा. गिरा हिल रहा है.
दोनों का गया, आप जीत गए, आप जीत गए, दोनों का गया, दोनों का सेम टाइम पे गया। सर रुक गए, सर रुक गए, इतने चलाक नहीं, उनका गिरा है, उसका गिरा है। हाँ तो गिर तो गया ना उनका, लेकिन गिरा आपकी, आपने गिरा है, गिरा तो है ना, आपने गिरा दिया, हम तो खुद गिर गए, आप लोग गिर गए, आप उनके ऊपर क्यों गिर रहे हैं भाई, लोग गिरे भी ना, तुमको भी ले डूबेंगे। आ जाओ दोस्त, आ जाओ, देखते हैं कि क्या करते हैं आप दोनों मिलके। चलिए आपका टाइम शुरू होने जा रहा है, 3, 2, 1, कम ऑन। आराम से जानिए, आराम से बेस बनाएंगे, बेस बनाएंगे, ये राइट है। ओके शाबाश लड़के, शाबाश, अबे यार शाबाश, करेगा करेगा करेगा, स्लोली सही 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 सही, शाबाश, चले जाएं, बेस ठीक, बेस ठीक, बेस ठीक। अरे गुड भाई, गुड गुड, आराम से रखिए, आराम से, गोल गोल, स्लोली स्लो, रखिए रखिए, टाइम है, जीत गए ना, हो गया, बाय, टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, आराम से, वो गिरा गिरा गिरा, उसको सही करें ऊपर वाले, बेस बेस करें, बेस सही करें, टाइमर चल रहा है, हिल के गिरा, ओके, अब हिल के गिरेगा, अगर उनका आप पे गिरा फिर नहीं, लेकिन अगर खुद गिर गया तो गिर गया, हिले ही नहीं ना, ये रेड वाला सही, वो बेस सही है, रेड क्लास, रेड क्लास, मनोहर, नहीं, इज्जत बचा ली, इज्जत बचा ली, शाबा, लेकिन इंटेलिजेंट दो ग्लास के, यार इसका अब तक खड़ा, लेकिन ये स्कूल था, पर एक एक रखा था, नहीं नहीं, मिस्टर डी चाहते हैं कि आपको हरवाया जाए और ये कहा जाए कि ये रूल नहीं था कि दो ग्लास एक साथ रखे, लेकिन लड़कों क्या कर, अभी तक वैसी की वैसी है, ये तो देखा ही नहीं हमने, खड़े हैं ना स्कूल, बस आप ये देखिए, स्टैंडिंग देखो, बुनियादें देखो, रिश्तों की बुनियादें देखो, देखो बात बात ये है, जी जी, के साथ साथ ही रखने थे, क्या साथ साथ ही रखने थे, दो ग्लास से ज्वाइन करके, तो गेम है जैसे कि आप बातें जितनी मर्जी कर ले, रूल्स नहीं, वो अभी तक खड़े हैं, देखें ये खड़े, देखिए वो साबित कदम है अब तक, लड़के अब तक साबित कदम सीधे खड़े हैं, तो आइए इतनी मजबूती से ना इसको गिराएं, देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या रहा, व्हाट टू विन का, इतना मजबूती से थामते हैं, ड्रॉ, बहुत इंटेलिजेंटली खेला आपने, ये आपने वैसे हमें भी आइडिया दे दिया कि दो ग्लास भी रख सकते हैं एक साथ, और 9 के 9 ग्लास रखने का रिकॉर्ड आपने कायम किया, मिस्टर डी पीछे हट जाएं, आपके ऊपर मर जाएंगे आप, ये ग्लास निकाल दूं और ये ऐसा कैसे आ जाए, ये ब्रेक पे जाते ही कर दीजिएगा यार, चले ब्रेक ले और ये गिरा दें, गिरा नहीं ना, इसको निकालना और ये ऐसे कैसे आए, इतने आप महान नहीं है, और आज देखते रहिए व्हाट द फक, एक छोटे से वक्त के बाद लौट कर आएंगे, कीप वॉचिंग TV1। ओके वेलकम बैक टू व्हाट द फन, ओके सो अब है बजर बैटर, मेरा फेवरेट राउंड है, अब तक की जो लीड है बॉयज की वो सिर्फ 10 स्कोर की है, कोई बहुत ज्यादा लीड नहीं है, बड़े आराम से आप लोग इस लीड पे ओवरकम कर सकते हैं, और इस राउंड में तो बहुत ही आसानी से, इसमें आप सब अहबाब से कुछ सवाल किए जाएंगे और एक भी गलत जवाब आपको उस गेम से निकाल के दूसरे के पास भेजने पर मुझे राजी कर देगा, सो बेसिकली आपने कोई एक गलत जवाब दिया तो मैं उस टीम के पास चला जाऊंगा, तो कोशिश करें कि जवाब अपने तक रखें और जिससे पूछा जाए वो जवाब दे ताकि आपके -10 ना हो, ओके ऑल क्लियर, पहले हम करेंगे टॉस, मिस्टर डी टॉस होगी, बजर बैटल से बिल्कुल ऐसे बजर बजा के देखें, मिस्टर डी बजाएं, आपका बजर बड़ा बजता है, अब लेट है, चलिए आप तशरीफ लाइए, सर आप आइए, और आपसे पहला सवाल किया जाएगा और जो बजर बजाकर जवाब दे देगा, एग्जैक्टली आप भी चेक कर लें, बिल्कुल ठीक है, उसकी टीम से हम खेलेंगे, पहला सवाल है बजर बैटल का, ज्यादातर लड़कियों को अपनी मर्जी से डैश करने की इजाजत नहीं होती, पहले बजा सकते हैं, समझ आ गई होगी, शादी इट इज, ये इनाम नहीं है, ये घर नहीं लेके जाना, नहीं नहीं जाना, हाँ हम वो देंगे आपको इंशाल्लाह, ओके सो अब कोशिश करनी है कि हाँ वो उनसे हो गया, अब आपसे शुरू करेंगे, लड़कों का डैश लड़कियों से ज्यादा छोटा होता है, चुप करो, लड़कियों का
लड़कों का डैश लड़कियों से छोटा होता है, लड़कों का हेयर्स आप नहीं बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा। ओके यस मैम, माइनस 10 रहेंगे। लड़कों का डैश लड़कियों से छोटा होता है, लड़कों का डैश लड़कियों से छोटा होता है। आपने मिस्टर डी को देख के कहा ये? नहीं नहीं नहीं, मिस्टर डी सीधा सीधा आप पे हमला है, ये देख ले। वैसे मोहसिन भाई जी सर, मैंने सुना है, हाँ इधर आए, मैंने सुना है कि मोहब्बत में नींद नहीं आती। आप मुझसे मोहब्बत कर ले, मुझे बड़ी नींद आती है। और लड़ पड़ेंगे आपस में। लड़कों का डैश लड़कियों से छोटा होता है। आई थिंक हार्ट दिल, नो, मुझे लगता है इसी में पूरा शो चलेगा। लड़कों का डैश लड़कियों से छोटा होता है। इन्होंने कहा वो नहीं, वहां से दे तो वहां से भी तो कहा था, इसका मतलब गलत है तो गलत है। गलत है ना यार। लड़कों का डैश लड़कियों से छोटा होता है। बॉडी जिस्म। अच्छा लड़कों की डैश लड़कियों से छोटी होती है, एक इमोशन है। वार्डरोब नहीं, आई सेड फिजिकल चीज नहीं है, इट्स एन इमोशन, थिंक अबाउट इट। फिजिकल चीज नहीं है, आई सेड शूज। लड़कों की डैश लड़कियों से छोटी होती है। अकल ठीक है, सही है, अच्छी बात यह है कि आपने अब फिजिकल चीज नहीं कही कोई, परफेक्ट। आप लोग आएंगे वहां तक आएंगे, आई विल टेक यू गाइस देयर। लड़कों की डैश लड़कियों से छोटी होती है। एटीट्यूड एक बहुत करीब है, आप बहुत करीब हैं, वेरी गुड, शाबाश। इसके आसपास सोचो, इसके आसपास सोचो। लड़कों का डैश लड़कियों से छोटा होता है। दिल 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 उन्होंने कहा था, फिजिकल चीज नहीं है। ओके इस एक चक्रव्यूह के बाद मैं आप लोगों को एक और हिंट देने वाला हूं। कहानी, यू सेड कहानी। ओके नो यस मैम, लड़कों की डैश लड़कियों से कम होती है। अब मैंने छोटी की जगह कम बोल के भी आपको हिंट दिया है। लड़कों की ईगो, ईगो इज ईगो यार, कम ऑन, ईगो में आता है सर, मैंने वही बार अकड़ बोल दी ईगो। लड़कों की डैश, यू आर अबाउट टू से दैट एटीट्यूड, नो नो नो, ईगो अलग चीज है, ईगो अलग चीज है, एटीट्यूड पॉजिटिविटी में भी आता है कि गुड एटीट्यूड है इसका यार, समझ रहे हो, गुड एटीट्यूड बैड, ईगो इज बैड। ओके ईगो इज एनी केस, शाबाश, बहुत अच्छे। ओके लड़कियों का कम पर लड़कों का अक्सर चोरी हो जाता है। वॉलेट या पर्स वगैरह आता है ना, नहीं नहीं आप पर थे, हम आप पर थे। लड़कियों का कम लेकिन लड़कों का ज्यादा चोरी, मोबाइल, मोबाइल इट इज, शाबाश, थैंक यू, मोबाइल। क्योंकि हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ स्नैचिंग ज्यादा हो जाती है ना, आप लोगों पे कम बात आती है। लड़कों का फटी जींस में से दिखता है। इजी अरे मैं तेरे पे चार डोल देनी है, आवाज आ गई वहां से। खामोश 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 गाइस, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, नहीं 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 इशारे नहीं, गुड नाइट, गुड नाइट इज परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। लड़कियां डैश में नहीं जा सकती, जवाब सुनिएगा आप इस पे मजे मजे के, नहीं है क्या, लड़कियां डैश में नहीं जा सकती, इतना बेसिक सवाल है ना, और आप जवाब सुनिएगा मजे मजे के। मस्जिद, अरे क्या कह दिया लौंडे, बहुत आला, बहुत आला, वेरी इंटेलिजेंट। ऐसे ही लड़के ऑफिस से आते ही डैश उतारते हैं, जूते, जूते उतारते हैं, बहुत अच्छे, इज्जत रख ली तुमने मेरी। लड़कियां हमेशा डैश में लड़कों से ज्यादा अच्छी होती हैं। चॉइसेस हम कहां थे, हम वहां थे, कोने में, कोने वाले इन पे थे। लड़कियां हमेशा डैश में लड़कों से ज्यादा अच्छी होती हैं, पढ़ाई में अच्छी होती हैं। अब जाने नहीं देना है, अब जाने नहीं देना, आप बहुत अलर्ट हो गए। लड़के डैश एक दूसरे को बिना जान पहचान के दे देते हैं। नंबर फिर क्या दे देते हैं लड़के डैश एक दूसरे को बिना जान पहचान के, बिना कुछ पूछे सवाल के दे देते हैं। कपड़े, ओके ओके ओके, लड़के एक दूसरे को डैश बिना जान पहचान के भी दे देते हैं, बिना सवाल पूछे भी दे देते हैं। सिगरेट, लड़के बिना जान पहचान के, बिना सवाल किए भी एक दूसरे को डैश दे देते हैं। सलाम दे देते हैं, सलाम ठोक देते हैं, लिफ्ट दे देते हैं,
लड़के बिना जान पहचान के, बिना सवाल किए, बिना कुछ पूछे दे देते हैं किसको, लड़कों को कॉल करवा देते हैं, कॉल करवा देते हैं। यस मैम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लड़के बिना जान पहचान के, बिना सवाल किए थमा देते हैं किसी को, दिल 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 दे देते हैं। लड़के आपस में, लड़के आपस में, हाँ ये वाला बिल नहीं मंजूर हुआ, आपस में थोड़ी चल रहे। लड़के बिना पूछे, बिना जान पहचान के दे दिया, किसी ने भी कहा दे दिया, कम ऑन बाइक बहुत दे रहे हैं एक दूसरे को, लौंडे लाइटर सिगरेट, लाइटर लड़कियां हर दुकानदार से डैश मांगती हैं, डिस्काउंट मांगती हैं। ये बहुत इजी था, लड़के लड़कियों से ज्यादा जल्दी डैश हो जाते हैं, मुतासिर किसपे हम, किसपे हम, किसपे हम, आप पे हम। लड़के लड़कियों से ज्यादा जल्दी डैश हो जाते हैं, गुस्सा नहीं होते, ना बोलना, अपना बोलना, मैं तो अपने अंदर रखा है, मैं बता रहा हूं, ना बोलना, माइनस 10 होंगे और हार जाओगे आप। लड़के लड़कियों से ज्यादा जल्दी डैश हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, गुड। लड़कियां डैश देर में करती हैं जबकि लड़के फौरन कर लेते हैं, बात कोई लड़कियां डैश देर में करती हैं जबकि लड़के फौरन कर लेते हैं तैयार होने में। ओह कम ऑन, अभी जवाब दिया था उन्होंने, दौर क्या है तैयार होने का, दोस्ती सर, दोस्ती नहीं, करीब। लड़कियां टाइम लगाती हैं, लड़के रेडी, रेडी होना, अब तो तैयार को रेडी कहते हैं ना, रेडी बेवकूफ, अच्छा तैयार को रेडी तो कहते हैं, हां जी, शॉपिंग, यस, गुड आंसर, गुड आंसर। डैश लड़कों के छोटे और लड़कियों के लंबे होते हैं, हाँ यस एग्जैक्टली, सर एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, इन लोगों ने बोला हम करवाते हैं, इनकी मैं एक गलतफहमी दूर कर दूँ, जितना महीने का कमाते हैं ना उतना सिर्फ हमारे एक एक मस्कारा होते हैं अपनी कीमत का, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं बाबा की परी, पापा की परी भी तो होते हैं, आपने वो नहीं देखे, लंदन नहीं, लड़ लो ना, बता देना, शो शुरू कर लो मैं आगे। लड़कियां आप तो होगी ना, प्रिय आप, हाँ लड़कियां अपने डैश पे कलर कर लेती हैं पर लड़के नहीं करते, हम कहां थे, ये वाइट वाइट शर्ट, हमें हुआ वाइट शर्ट, हम आप पे, आप ओके, लड़कियां अपने डैश पे कलर करती हैं लड़के नहीं करते, उन्होंने भी अभी यही कहा, अलर्ट नहीं है आप लोग, लड़कियां अपने डैड पे कलर करती हैं लड़के नहीं करते, नेल्स पे, नेल्स पे, नेल्स पे, सुनो डैश लड़का और लड़की दोनों आपस में कर सकते हैं, वेट करके दो, वेट करके दो, समझ आ जाए, डैश आराम से, आराम से, उजलत में नहीं, डैश लड़का और लड़की आपस में कर सकते हैं, इतना आसान है ना कि सोचे हुए उठेंगे ना आप तो भी जवाब दे देंगे, नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा हिंट है, दोस्ती बातचीत पढ़ाई, फिर क्या, फिर क्या, डैश लड़का और लड़की दोनों आपस में कर सकते हैं, स्टडी, बेसिक 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 इजी यार, आप लड़का और लड़की आपस में स्टडी को, नो नो नो, स्टडी थर्ड वन, यस मैम, शादी, शादी, I told you, think basic, over the top नहीं जाने का, डैश पुलाव हर कोई बना सकता है, ख्याली पुलाव, गुड कम बैक गर्ल्स, गुड कम बैक, लड़कियां डैश से ज्यादा अच्छी बातें बनाती हैं, अभी बना रही थी, रोटी से ज्यादा अच्छी बातें बनाती है, रोटी से, हाँ खाने से ज्यादा अच्छी बातें बनाती है, बिल्कुल सही जवाब, लड़के की डैश अच्छी हो तो लड़कियां खुद फ्री हो जाती हैं, सही है, तो बहुत ज्यादा करेक्टर भी सवाल हो जाएगा मेरे लिए, अगर मैंने सच बता दिया, आप नहीं है, ये एक जर्नल एक परसेप्शन है कि लड़कियां, लड़के की अगर डैश अच्छी हो तो लड़कियां फौरन फ्री हो जाती हैं, खुद ही उसकी तरफ माइल हो जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं, पैसे, सैलरी,
और भी हो सकता था, लेकिन हाँ यू आर ऑलमोस्ट देयर. ठीक है, जो यहाँ लिखा है वो मांगता है मेरे को. आपसे आगे आप पे आगे. लड़के की अगर डैश अच्छी हो तो लड़कियां खुद ही माइल हो जाती हैं. गाड़ी 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 बहुत मशहूर हुआ था. गाड़ी सही जवाब है. अबे सो रहा है क्या? ये भी बेचारे डर गए. अल्लाह करके तो सही जवाब दिया उन्होंने. मुश्किल से आया. नहीं जाने देना, अब नहीं जाने देना. अभी तेरी बेटिंग करनी है. प्लीज प्लीज. लड़कियां सबसे पहले लड़के के डैश देखती हैं. पहले तो एक सवाल, ये हर बात में लड़कियां क्यों आ रही हैं? ये कोई बात नहीं, नाम मरो तो तुम जवाब दो. लड़कियां सबसे पहले लड़के के डैश देखती हैं. लुक्स. लुक्स देखती हैं. यस बॉय गुड. कुछ लड़के डैश लगते हैं पर होते नहीं. लो आ गया लड़कों का सवाल. कुछ लड़के डैश लगते हैं पर होते नहीं. बहुत थरकी या एटीट्यूड. चल बे तो पता हुआ. लेकिन होते नहीं है. बिल्कुल शरीफ शरीफ लगते हैं लेकिन होते नहीं है. मिस्टर डी की तरह. ओह सो क्यूट. लड़कियों को पता था, ये तो इनका ही सवाल था है ना. ओके आखिरी जन सवाल आते हैं लड़कों मेरे पास, तो बहुत अलर्ट रहिएगा. लड़कियों को एक दूसरे की डैश करने में बहुत मजा आता है. बुराई चुगली. बुराई करने में. गुड आंसर. क्या मुझे बताने, मैं कंफ्यूज हो जाती हूं. तुम नहीं होगी. तुम पासा पलटता हुआ दिख रहा है मुझे. पलट गया है ना. लड़कों को हमेशा लड़कियों को डैश करने की पड़ी रहती है. लड़कों को हमेशा हर वक्त लड़कियों को डैश करने की फिक्र रहती है बस कि ये कर लूं मैं लड़की को. कम ऑन इट्स वेरी इजी. वेरी इजी. टाइम अप टाइम अप टाइम अप. पटा लूं फ्री कर लूं. लड़कों को हमेशा लड़कियों को डैश करने की पड़ी रहती है. इंप्रेस इंप्रेस करने की. बस मैंने इंग्लिश में नहीं बोला. अरे वो कौन सा जुमला है जो कोई भी लड़का किसी भी अनजान लड़की को बिना डरे कह सकता है? ऐसे करूंगा ना रोते रहोगे. सोच के दो. वो कौन सा जुमला है जो कोई भी लड़का किसी भी अनजान लड़की को बिना डरे कह सकता है? बाजी अपना दुपट्टा संभाले. यस ओ दैट वाज अ गुड आंसर. अपना दुपट्टा उठा ले. एक बोल दे मोहसिन भाई. एक बोल दे. माशाल्लाह माशाल्लाह. लेकिन वो सामने नहीं बोल. वो कौन सा लफ्ज है जो लड़के एक दूसरे को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? यार वो देखें आई एंड्स. यार हाँ ये तो होता ही है. मतलब एक स्लैंग वर्ड भी होता है. ओह यस सर. आप बताएंगे कि वो कौन सा लफ्ज है जो लड़के एक दूसरे को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? ब्रो भाई. ब्रो ब्रो. यस गुड 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 ब्रो. आखिरी दो सवाल हैं. ना जाने ना खुदा का वास्ता. ओके लड़कियां लड़कों से डैश करवाती हैं काम? लड़कियां लड़कों से डैश करवाती हैं? सोच रहे आराम से. शॉपिंग. लड़कियां लड़कों से आप पे थे. मैं हां मैं डैश करवाती हूं. करवाती हैं करवाती हैं. इजी लोड पैकेज. जवाब अच्छा है. जवाब अच्छा है लेकिन क्या नहीं है. लड़कियां लड़कों से डैश करवाती हैं? करवाती हैं उठवाती हैं करवाती हैं शॉपिंग करवाती हैं. ये उन्होंने भी कहा. सर लड़कियां लड़कों से डैश करवाती हैं? मालिश वगैरह करवा. अभी हिंदी नहीं आएगा. खिदमत क्या 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 हो रहा है? क्या 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 कह रहा है? लड़कियां लड़कों से मालिश करवाती हैं. अपनी सोहबत बदलो मेरे दोस्त. अपनी सोहबत आई लेनो. थाईलैंड से वापस आ जाओ. I'm so sorry आपको ये सुनना पड़ा. I'm so sorry about this. Yes ma'am. हिंट दे सर. सर हिंट देना. सर बताएं आपको. इस राउंड के बाद हिंट दे दूंगा. अगर आप लोग इतने डम हैं तो मैं इसके बाद हिंट दूंगा आपको. लड़कियां लड़कों से डैश करवाती जल्दी बोलो. असाइनमेंट. असाइनमेंट करवाती है. यस दूसरा जवाब. परफेक्ट आंसर. कौन करवाती है? असाइनमेंट करवाती है. आखिरी सवाल. आखिरी सवाल. सोच के यार. आखिरी. देखो वो अपनी अदाएं बदाएं दिखा के ना तुम लोग उसे असाइनमेंट करवाती है. मैं भी करता रहा चुप कर जाओ. सर मैंने तो नहीं करवाती. हम नहीं कर. मैंने तो करा है.
मैंने भी कर लड़कियां किन लड़कों की बीवी नहीं बनना चाहती? मेरा नाम नहीं लेना। आखिरी सवाल है यार, मतलब लड़कियां किन लड़कों की बीवी नहीं बनना चाहती? जिनकी कोई जॉब नहीं होती, जॉबलेस। तो हम कहां थे? हम आप लड़कियां किन लड़कों से शादी नहीं करना चाहती? लड़कियां किन लड़कों से शादी नहीं करना चाहती? यार है ना, सो सिंपल। चुप चुप, आखिरी मौका। नहीं नहीं, मैं कुछ और बोल रहा, कुछ भी बोलेंगे। लड़कियां लड़कों से, किन लड़कों से शादी नहीं करना चाहती? किन लड़कों से शादी नहीं करना चाहती? ओके, टेन, ओके, नाइन, इधर, फाइव, फोर, थ्री, कुछ काम नहीं करते, मतलब यूजलेस। वो बोल दिया है तीन तीन दफा, ये जवाब आया हमारे पास, जॉबलेस, यूजलेस, काम नहीं करता। यस, मोटे लड़कों से यार। कितनी रेसिस्ट हो, कितनी तुम रेसिस्ट हो। इसका क्या जवाब है? ये मुझे खुद नहीं पीऊंगा। यस सर, इधर फोकस। जाहिर, लड़कियां किन लड़कों से शादी नहीं करना चाहती? माइनस टेन करेंगे बॉयज के, मेरे पास खड़ा होके बोल रहा है, यानी मैं इसकी यहाँ पे खड़ा हूँ ताकि ये कहीं ना देखे मेरे पास। सर माइनस टेन हो गए लड़कों के, लड़के गए हो। आपकी आपकी बात। यस, आपको क्या लगता है कि लड़कियां किन लड़कों से शादी नहीं करना चाहती? लड़कियां नहीं चाहती कि हम ऐसे किसी लड़के से शादी करें जो कि मुर्दा काला। मुर्दा भी और काला भी। मुर्दा क्या सोच रही हैं आप? काला मुर्दा, मुर्दा मुर्दा लड़के से कौन जाएगा? मुर्दा वो चलती फिरती मैया, मुर्दा भी और काला भी। यस सर, काला लड़का मैं नहीं शादी करूंगा। आपको आई आवाज? आपको तो क्यों नहीं आ रही? सुने सुने, वो लोग बहुत स्लो बोल रहे हैं, तो और सुनो ना ताकि जवाब रिपीट ना हो। यस मैम, आपको क्या लगता है जल्दी से बताओ? फजूल की बातों में और नहीं करते, ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होता। यस सर, इसकी बात आप बताइए, लड़कियां किन लड़कों से शादी नहीं करना चाहती? सिवा गाड़ी ना हो, इनके पास गाड़ी ना हो। आपको क्या लगता है लड़कियां किन लड़कों से शादी करना चाहती? अबे यार, छोरे लड़कों से। किसका जिक्र हुआ? यस सर, आपको क्या लगता है? आपका नहीं, गुस्से वाला। अब मेरे पास आके बोल रही, लड़कियां किन लड़कों से शादी नहीं करना चाहती? नहीं नहीं, खुद लड़कियां। मेरा फेवरेट राउंड भी खत्म हुआ और आई थिंक देखना पड़ेगा। मैं गेस नहीं करना चाहता, नहीं करना भी नहीं, करना भी नहीं है ना, प्रोग्राम दूसरा भी करना मौसम में। वैसे बड़े दिल वाले जीत दे देते हैं, वैसे बड़े दिल वाले जीत दे देते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। एक लड़का मुझे बोल रहा था, भाई मुझे बोल रहा था आप देखना इस राउंड में हम कैसे खेलेंगे। कौन कह रहा था? गुरूर का सर नीचा। आगे देखते हैं कि बजर बैटल में कौन जीता। वैसे फाइनल रिजल्ट ही देखते हैं। फाइनल देखते हैं। अब पता है क्या? अब मेरी बात सुनो, होता ऐसा, हमने खुले दिल से क्या क्या कह रहे थे आप? ये लड़के क्या कह रहे थे? लड़के कहते नहीं करके दिखाते हैं, लड़कियां कहती भी हैं करके भी दिखाती हैं। अगर हम लोग जीत जाते थे फिर ये फायदा भी टिश्यू इतने ज्यादा निकलने लग जाते, फिर आप लोग बाजार में सेट खराब हो जाता था। जानबूझ के जवाब नहीं दिए मेरे भाई ने, ना देता तो हार गए हम लोगों को। गलती हो गई, कागज की कश्ती बना के नीले बनेंगे, तैरते तैरते घर चल जाते आपके। आप
ये इधर ना आ जाए, ये इधर ना आ जाए सर, आगे आओ हसीन आओ 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 आओ, ये ट्रॉफी तुम्हारा इंतजार कर रही है, वर्ल्ड कप इन्हीं से दिलवाएंगे, सर इनके हाथ से लेंगे, इन्हीं के हाथों से दिलवाएंगे सर, ये कम ऑन, चलो आइए प्लीज आइए, आप आइए आप आइए, ये मेरी भी ओके Perfect. Yes, sir. Aye. And please. Sir, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ. एक चीज बोलूँ. इसके बाद. इसके बाद. इसके बाद. अभी शोर है ना? आई आई. आइए आइए आइए. इसके बाद. बताएं बताओ. एक हो. आइए भाई. रोतू? ओके जी आप कुछ कहना चाह रही हैं बस बस वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है क्या वेरी वेल प्लेड और आप लोग बिल्कुल दोनों टीमें यहां आ सकती हैं तशरीफ लाइए यहां पर आ जाइए आप अपने टीम के साथ ऊपर लगना वो नीचे उड़ने का वजन भारी है बहुत ही भारी है नानी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग औरत मां बहन बेटी हर रूप में बहुत हसीन है हर रूप में बहुत काबिल एहतराम है अरे बात करने कौन है क्या हुआ कौन है अरे अभी तो बात कर रहे हैं अभी तो खत्म कर रहे हैं ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद द फन आप लोगों का बहुत शुक्रिया ग्रेट ऑडियंस थैंक यू फॉर कमिंग गाइस थैंक यू फॉर ऑल द एनर्जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया वेरी वेल प्लेड आपसे हम मुलाकात करेंगे अगले संडे को सो की वॉचिंग व्हाट द फन